देख रहे हैं, बताइए इधर। इसमें दवाई छिटी, अभी परसों चारा नहीं जला है। दवाई आजकल ऐसी आने लगी है कि किसानों को बहुत ही घाटा हुआ है, और ऊपर से मोदी जी अलग नहीं मान रहे हैं। मोदी जी ने किसानों को जीना मुश्किल कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोयाबीन के भाव 3,000 से ज़्यादा नहीं बढ़े। हमको 2 साल हो गए सोयाबीन अवेरते अवेरते आधे सड़ गए और फिर बेचे, फिर 3,000 के गए। और लहसुन हमने अवेर अवेर के रखी, आधी वो सूख गई है, फिर भी उसका भाव नहीं बढ़ा अभी मान ले तक मान ले। है। मैं साफ बताऊं, तुम्हारे 9 साल की बात बताऊं, 200 क्विंटल प्याज हुआ, लोगों ने खूब बहुत अरपट खूब बोया, लोगों ने खूब पटता फिर नंग नंग रोड रोड पे। और घी की भरनी का आजकल तो घी भी नहीं मिल रही हो किसानों के। भाव दूध का भाव कोई 22-20 रुपये लीटर, और बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं है यार। 20-22 रुपये लीटर, और दाने की बोरी, खल की बोरी 1500 की हो गई, सुदाने की बोरी 1,000 की हो गई। बताओ साहब क्या करें हमें। आप देख रहे हैं इधर आसपास, देख रहे हैं इतने खेत है, थे लोगों का चारा नहीं जला अभी तक। इस खेत में नाने वाला खेत है, इतना चारा, इसमें बेहद चारा, वो दवाई छिट के गए परसों। ये हमारे प्यारे बाग का खेत है, इसमें चारा कम है, हालांकि हर साल ये चारा, उधर देखिए बहुत ज्यादा चारा दिखेगा आपको। और आपको बताएंगे लहसुन की जगह है, अब हम क्या करें साहब, भाव ही नहीं आ रही है सोयाबीन का। न मारा नगर तो थोड़े न उगा ही नहीं हुआ। न साहब तुम बात नहीं मानो कि हर साल ये सो हो ये। हम तो कहीं क्या, मोदी जी ने नोटबंदी करी, इन पची चालू कर दी थी अभी 1 महीना का, 31 तारीख तक पची चले वो, कि पैसा भरो बचा। और भाव दारू को भाव बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ अभी, और यहाँ पे GST लगाई जा रही दवाई गोली इन पे और खादात पे। अब गोबर को खादी फेंकांगा साहब, पची वही खेती करांगा, प्राकृतिक खेती, उसमें हम जैविक वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे। नमस्कार।